रहे हैं, अगर यहाँ पर कोई मुसलमान अगर मुझे काटने आ जाएगा तो क्या मैं अभी पुलिस बुलाऊंगा या अपने दोस्तों को बुलाऊंगा कि मैं उसको मार के खत्म कर दूंगा? जो डर गए वो मुसलमान बन गए, हमको कैसे डराएंगे? डर जाए मतलब गला काटने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। कन्हैया लाल की उदयपुर में हत्या के बाद लगातार उनके समर्थन में और जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई उसको लेकर कई संगठन लगातार उसके विरोध में, यानी कि जिस प्रकार से और नूपुर शर्मा के समर्थन में लगातार लोग यहाँ पे आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने उनके पक्ष में बातें कर रहे हैं, उसी के नियमित अभी देख रहे होंगे अभिषेक जी हैं जो धरना प्रदर्शन और आंदोलन किए थे, उसको लेकर मैं अभी कुछ जानूंगा। आप लोग नूपुर शर्मा के समर्थन में निकाल रहे हैं और उनके समर्थन में बोल रहे हैं, बल्कि आप जबकि सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से कह रही है कि उनको माफी मांग लेना चाहिए, इसको कैसे देखते हैं? नूपुर शर्मा जी ने कुछ गलत तो कहा नहीं है, वही बात कहा है जो हदीस में लिखा हुआ है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी स्टेटमेंट दिया है वो लिखित में तो दिया नहीं है। और रही बात मुसलमानों की, तो मुसलमानों को समझना चाहिए कि अगर हिंदू समाज अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ले लेता है तो स्थिति कहीं ज़्यादा खराब हो जाएगी। और देखा जा रहा है जिस प्रकार पूरे देश में मुसलमानों के द्वारा जो हिंदुओं को डराने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारे राजनीतिक दल या मुसलमानों के एक संगठन को, तो ये पहले समझ लिया जाए कि हमारे गर्दन पर जब तलवार रखी गई थी तो हमारे बाप दादा कलमा नहीं पढ़े थे। किसने रखी थी तलवार? तलवार मुसलमानों ने रखी है। अभी जो भारत में जितने मुसलमान हैं वो सभी मुसलमान वही हैं जिनके तलवार के डर से सलवार उठ गया था, वही हिंदू मुसलमान बन गए। हम नहीं बने, हम दुनिया के सबसे पुरानी संस्कृति के वाहक हैं और आगे भी हम हिंदू ही हैं रहेंगे। तो इन समझना चाहिए इन लोगों को कि ये डरपोक कौन हमें क्या डराएगी। अभी अभी जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया है उसको लेकर क्या कैसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है कि लगातार नूपुर शर्मा को माफी मांगना चाहिए, उन्हीं की वजह से देश में माहौल खराब हो रहा है? उनकी वजह से देश में माहौल खराब हो रहा है तो 1947 में देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, क्या नूपुर शर्मा के कारण हुआ? कमलेश तिवारी की हत्या हुई, वो क्या नूपुर शर्मा के कारण हुआ? इसी प्रकार अमरावती में हत्या हो गई, वो क्या नूपुर शर्मा के कारण हुआ? ये सब बस बोल देने वाली बात है। और रिटर्न में तो कोर्ट ने कुछ दिया नहीं है कि आप माफी मांगिए या कुछ कीजिए। कोर्ट में नूपुर शर्मा किस लिए गई थी ये जानने की आवश्यकता है कि पूरे देश में जो केस हो रहा है वो सारे एक कोर्ट में दिल्ली में हो। इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट को क्या आवश्यकता है बोलने की कि आप माफी मांगे या ना मांगे, ये तो बात थी नहीं वहां पर। अभी 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 जिस प्रकार से देश में जो माहौल बन रहा है, उदयपुर से लगातार जो चल रहा है इधर उधर, नूपुर शर्मा को बीजेपी निकाल चुकी है तो बीजेपी लगातार हिंदुत्व का पक्ष लेती है, तो उसको कैसे हिसाब से देखते हैं? आप भी बजरंग दल से रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं स्पोक्स पर्सन तो हूँ नहीं, लेकिन नूपुर शर्मा एक हिंदू है और हिंदू के विषय में अगर बात करिए तो हमारी है। पूरे भारत में जो भी हिंदू हैं वो अपने, मतलब नूपुर शर्मा ने सही बोला, आप समर्थन? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला, डंके की चोट पे एकदम सही बोला है। और संपूर्ण हिंदू समाज इसका समर्थन करता है। संपूर्ण कैसे करता है? संपूर्ण हिंदू समाज कर रहा है इसका समर्थन पूरा। जी, आप लोग फिर कुछ धरना प्रदर्शन आंदोलन निकालने वाले हैं? नहीं, अभी धरना प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ, अभी हम रुके हुए हैं। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो जैसी क्रिया होगी वैसी हम प्रतिक्रिया देंगे। अभी तो नूपुर शर्मा के समर्थन में जो लोग आ रहे हैं उनका सर धड़ से अलग कर दिया जा रहा है, ऐसे नारे भी लगाए जा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? सर धड़ से कैसे अलग किया जा रहा है? वीडियो देखे, उनको धोखे में रखकर सामने सामने छाती पे वार करे तब समझ में आएगा। ये तो कौन है डरपोक कौम? जो डर गई थी वही तो मुसलमान बने हैं। हम आप कहाँ बने? आपका नाम रविकांत है, आप कहाँ बन गए मुसलमान? आपके पिता या उनके दादा या उनके दादा के गर्दन पर जब तलवार रखी गई थी तो हमने आपने कलमा, आप मुसलमान नहीं बने थे, हम आप हिंदू थे और हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। जो डर गए वो मुसलमान बन गए, हमको कैसे डराएंगे? वो धोखे से मार दिया जा रहा है। यही इसी क्रिया का अगर प्रतिक्रिया देने आ जाए कि अगर उदयपुर में किसी मुसलमान द्वारा हिंदू की हत्या की जा रही है, अमरावती में अगर किसी मुसलमान के द्वारा अगर हिंदू की हत्या की जा रही है, अगर हिंदू भी यह सोच ले कि कहीं पर भी अगर पूरे भारत में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो अपने कस्बे में अपने जिले में हम मुसलमान के साथ वही करेंगे तो स्थिति सुधर जाएगी। मतलब गला काटने के लिए आप बढ़ावा दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। कैसे किया जाए, हम अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे? अभी अगर कोई मुसलमान उनको मारने आ जाएगा तो मैं क्या पुलिस थाने फोन करूंगा कि उसको मारूंगा? मैं अपनी सुरक्षा कैसे करूंगी, आप मुझे इस चीज की बात बताइए। ऐसे तो सर एक दूसरे का काटते रहेंगे तो कैसे चलेगा? अरे हिंदू समाज के जीन में ही ये नहीं है सर काटने के, तो मुसलमान का काम है कलमा पढ़ के सर काटने का। हम अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई मुसलमान अगर मुझे काटने आ जाएगा
तो क्या मैं अभी पुलिस बुलाऊंगा या अपने दोस्तों को बुलाऊंगा कि मैं उसको मार के खत्म कर दूंगा उसको? आप ही बताइए, आपके सामने अगर गर्दन पे अगर तलवार रख दी जाए तो अभी आप क्या कीजिएगा? अपनी सुरक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? सुरक्षा में जो होगा देखा जाएगा। अभी 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 जिस प्रकार से कहा जा रहा है लगातार मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम धर्मगुरुओं और नेताओं के द्वारा जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि ये हमारे नबी के खिलाफ अगर जो लोग भी बोलेंगे सर धड़ से अलग कर देंगे, तो ये इस बयान को लेकर आप लोग भी मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से मांग करें कि इस बयान पर भी किया जाए, क्योंकि वो भी खुलेआम कह रहे हैं। तो ऐसे तो आप भी उन्हीं लोगों की तरह बात कर रहे हैं, मुसलमानों की तरह ही बात कर रहे हैं। देखिए, हम मुसलमान की तरह बात नहीं कर रहे हैं, बात समझने की आवश्यकता है। हमने कभी नहीं कहा कि आप हमारे धर्म के विषय में अगर बोलेंगे, हमारे भगवान के विषय में बोलेंगे तो हम सर धड़ से अलग कर देंगे। हम शास्त्रार्थ वाले लोग हैं, मुसलमान की तरह नहीं है कि जो लिख दिया कि अंधे की तरह उसी को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर मुसलमान ये कह रहे हैं कि हम, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई मेरा सर धड़ से अलग करने की कोशिश करेगा या ऐसी मानसिकता के साथ आएगा तो मैं उसके साथ क्या करूंगा? वही क्रिया होगी, उसी प्रकार की प्रतिक्रिया मिलेगी जैसा वो सोच के आए हैं। बजरंग दल में आप लोगों की क्या तैयारी चलती है, क्या ट्रेनिंग व्रेनिंग? बजरंग दल में तैयारी यही चलती है कि हमें बौद्धिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाया जाता है। हिंदू समाज को एक करने के लिए हम साप्ताहिक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, नित्य बलोपासना केंद्र चलाते हैं, अखाड़ा चलाते हैं। यही हिंदू समाज को एक करके रखना है कि किसी माई के लाल में दम न हो कि हिंदू समाज को आगे मुस्लिम में कटुता फैलाता। बिल्कुल नहीं फैलाता, बिल्कुल भी नहीं। आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है, आरोप कोई लगा दे। हम प्रो हिंदू है, एंटी मुस्लिम नहीं है। हम प्रो हिंदू काम करते हैं, हिंदू को एकत्रित करना, हिंदू को बलशाली बनाना, बलशाली समाज बनाना, समर्थ भारत बनाना, ये हमारा लक्ष्य। भारत माता को उसके अपने परम वैभव तक पहुंचाना, इसके लिए जो करना होगा हम करेंगे। गला काटेंगे? गला कब काटेंगे? देखिए, बात समझने की आवश्यकता। अगर कोई मेरे गर्दन पे तलवार रख रहा है तो उस वक्त मैं क्या करूंगा? मैं थाने में जब तक फोन करूंगा तब तक मेरा गला कट जाएगा। उस क्रिया का प्रतिक्रिया मैं उसी जवाब में दूंगा जैसा वो सोच के मेरे लिए आए हैं। चलिए, बात कर रहे थे हम अभिषेक जी से, जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं और लगातार अपनी बातें और मांगे उठाते रहते हैं। नूपुर शर्मा को लेकर भी इन्होंने धरना प्रदर्शन और आंदोलन निकाला था, उसी को लेकर हम तमाम सवाल और जवाब कर रहे थे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।